मैं आज से पहले 4 भर्तियां देख चुका हूँ। हाँ। ये 5वीं भर्ती है इस बार अग्निवीर की। हाँ। जो 2 नागौर स्टेडियम में देखी थी 2018 और 2019 में। हाँ। उनमें मैं फिट तो था लेकिन पेपर में रह गया, दोनों भर्तियों में भी। पेपर में रहे नहीं, पेपर तो हुआ ही नहीं। नहीं, उनका हुआ था। अच्छा, उनका हुआ था। 2018 और 2019 का पेपर हुआ था। हाँ, लेकिन मैं तैयारी नहीं की और कारणवश रह गया। अच्छा। हाँ। उसके बाद मैंने 21 में उदयपुर में भर्ती फिट की थी। हाँ। वहाँ पर मैं एक्सीलेंट था जीडी से। हाँ। और वो उस पेपर की तैयारी कर रहा था। उसके बाद जब अजमेर में एक भर्ती और हुई थी। हाँ, उसमें हाँ। मैं कलरक से था। हाँ। उसमें भी मैं ग्राउंड फिट था। दोनों की मैं एक साथ तैयारी कर रहा था और ये भी सोचा था कि अगली बार 2 पेपर है, एक तो कन्फर्म हो जाएगा। तो मैं लगभग 1-1.5 साल से लगातार इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन सरकार ने इन दोनों पेपरों को एक साथ ही रद्द कर दिया। फिर हमारा तो मन ही नहीं किया इसमें आने का, लेकिन घर वालों ने कहा कि अब क्या करोगे, एक बार कोशिश और कर दो। जरूरी थोड़ी, इतनी तैयारी की है इस फील्ड को, इतना टाइम दिया है, इतनी तैयारी की है। मैं 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। जब मैं 2015 में पास की 12वीं, उसके बाद मैं इसी फील्ड में उतर गया। और आर्मी के अलावा मैं किसी दूसरी वैकेंसी का कभी फॉर्म भी नहीं लगाया, केवल आर्मी का लगाता हूँ और यही मन में रहती है। जब भी कोई आर्मी का स्टेटस देखता हूँ तो मन में जोश भर जाता है कि जाना है तो आर्मी में जाना है, वरना कुछ नहीं करना है। देखिए रियली ये बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाली बात है कि यार हमें दौड़ लगाते हैं जब वहाँ पर घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है, इतनी तैयारी करनी पड़ती है। मैं इस चीज़ को बहुत करीबी से देखता हूँ, इनसे युवाओं से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ हूँ, इनके दर्द को समझता हूँ कि यार दौड़ पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बंदा है जिसने 2-2 जगह दौड़ पास की है, उसके बाद में कई बार क्या होता है कि कोई छोटा मोटा कुछ भी होता है तो उनको मेडिकल में कोई पॉइंट दे दिया, इधर उधर कुछ कर दिया, दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये भाई 2-2 भर्तियों में फिट हैं, लेकिन रिटर्न का इनका इंतजार था और वो इंतजार कभी पूरा नहीं होगा ऐसा लग रहा है। हालांकि 18 तारीख है जो इस बार अभी कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो ये चीज़ है। और कुछ आप कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? मैं तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, मेरा अनुभव 6-7 साल का है, तो आप भी उस अनुभव के अनुसार तैयारी करिए कि हम भी 25% में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 4 साल से ही बाहर आ जाए, हम परमानेंट 18 साल हो सकते हैं फौज में। और आप भी उसी को सोचकर तैयारी कीजिए कि हम परमानेंट होंगे, ना कि 4 साल के लिए। बिल्कुल, देखिए ये जो बात है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप ये समझ लीजिए, कई परीक्षाओं में प्री एग्जाम होता है, प्री होता है, तो आप ये समझ लीजिएगा वो आपका प्री है 4 साल के लिए, उसके बाद आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप अच्छा करेंगे तो आप परमानेंट वाले में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसमें बाहर हो सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा करते हैं और ये सोच लेते हैं, ये ठान लेते हैं कि नहीं मुझे तो परमानेंट वाले में होना ही, तो 25% आपके लिए ही उसमें आप हो सकते हैं। निरंतर तैयारी करते रहिए। जैसे मैं तो यहाँ पर 1 तारीख आया था, आज मैंने दूसरी बार टाइमिंग लगाई। पहली बार जब आया था तो 5-8 की टाइमिंग लगाई और आज दूसरी बार टाइमिंग लगाई 4:59 की। 10 दिनों में मैंने इतना डेवलपमेंट, इतने टाइमिंग तोड़ दिए और मेरा मन है कि मैं एक लास्ट टाइमिंग और लगाऊंगा 4:50 की और उसके बाद भर्ती कन्फर्म फिट करूंगा। जरूरी नहीं कि एक्सीलेंट करूंगा, लेकिन गुड तक करूंगा तो भर्ती फिट करूंगा इस बार भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आप भी इस तरह की सोच रखें, इस तरह की तैयारी रखें, आपकी दौड़, आपके सपने, आपका जो मुकाम, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी।